खबर के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जयपुर में मौजूद हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर रहे हैं। ईआरसीपी के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हो रही है। वही सीएम भजनलाल ने उनका स्वागत किया और इसके साथ ही आपको बता दें कि पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों के जल बंटवारे पर यह फैसला होगा। उद्योग और पर्यटन की संभावना को तलाशा जाएगा। दोनों राज्यों के जो सीएम है वो दोनों ही राज्यों के विकास पर इस पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सहयोग से आज ये अहम निर्णय होगा और राज्यों के जल बंटवारे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अहम भूमिका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम से उनकी मुलाकात हुई है। मोहन यादव का पहले भव्य उन्होंने स्वागत किया और फिर उसके बाद कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है ईआरसीपी का, यानी कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। 13 जिलों के पानी की ये बात है जिसको लेकर महत्वपूर्ण चर्चा और अहम निर्णय आज हो सकता है। हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विष्णु, दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच में महत्वपूर्ण चर्चाएं हो रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा की बात की जाए तो आज का मुद्दा ईआरसीपी का है। 13 जिले को लेकर ये महत्वपूर्ण है, बेहद खास प्रोजेक्ट है जिसका जो प्रोजेक्ट है वो काफी समय से अटका हुआ था। आज क्या संभावनाएं हैं कि कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आ सकता है इस प्रोजेक्ट को लेकर? बिल्कुल, पहले भी दर्शकों को बताया कि काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है पूर्वी राजस्थान के पेयजल और सिंचाई को लेकर, और ये लंबे समय से अटका रहा था और आज एक नई पहल शुरू हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज यहाँ पहुंचे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से चर्चा कर रहे हैं, वार्ता चल रही है इस मुद्दे को लेकर। बातचीत में कोई ना कोई ठोस निर्णय जरूर लिया जाएगा क्योंकि ये जीवनदायिनी है। अगर बात की जाए पूरे राजस्थान के लिए, 13 जिलों के जो करीब दो लाख हेक्टेयर नई सिंचित भूमि बनेगी, अगर ये परियोजना होती है तो एक नई जो सिंचित है भूमि वो बनेगी करीब 2 लाख हेक्टेयर, और इसमें जो पहले से बने 26 बांध उनके लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा कि अगर पहले से 26 इस इलाके में जो 13 जिले हैं उनमें 26 बांध बने हुए हैं, उन बांधों को एक नया नए सिरे से पानी उपलब्ध हो पाएगा तो उसको लेकर भी है। साथ ही और अभी जो अगर बात की जाए तो 13 जो जिले हैं उनके लाखों किसान इससे लाभान्वित होंगे और एक अमृत उनके लिए माना जाएगा, अमृत संजीवनी जो माना जाएगा। तो अब ये मुद्दा चल रहा है क्योंकि इस मुद्दे में राजस्थान और एमपी के बीच लंबे समय से एक पेच फंसा हुआ था, वो पेच माना जाएगा क्योंकि जो अंतर्राज्यीय स्टेट कंट्रोल जो बोर्ड थी उसमें 2005 में बैठक में निर्णयों के अनुसार डीपीआर बनी थी, लेकिन उस डीपीआर को लेकर दोनों ही प्रदेशों के बीच में मामला उलझा हुआ था। अब ये जो मामला है उसको सुलझाने का केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी बिल्कुल, तो अब इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश हो रही है और इसी को लेकर दोनों राज्यों के जो सीएम है वहां पर आज उनकी मुलाकात हुई है। विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के।